हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर सैमसंग का ये फ़ोन है M01S, तो ये मॉडल गैलेक्सी में आता है ये सैमसंग का। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जो ये वेरिएंट है वो ग्रे कलर का है, जो कि आपको 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ आता है। तो चलिए हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, और जल्दी से अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं या ऑफलाइन चाहते हैं, तो ये दोनों तरह से यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। ऑफलाइन में भी ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और ऑनलाइन की बात करूँ तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का गैलेक्सी M01S मॉडल है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। क्योंकि फ्रेंड मैं यहाँ पर मोबाइल से, इंटरनेट से और या LED TV या आपके कंप्यूटर से जुड़ी ही वीडियो इस पर लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर आप अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ, बॉक्स को। मैंने इसकी सील पहले से काट दी है, और उसके बाद इस तरह से खोलेंगे तो अब यहाँ पर इस तरह से आपको बॉक्स दिख जाएगा जो स्टार्टिंग में है। तो इस तरह से एक निकलेगा, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ आपको अपने मोबाइल से जुड़े यूजर गाइड भी मिल जाएंगे। बाकी जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। यहाँ पर रीजनल आपको लुक गाइड्स को कुछ दिया गया है, और ऐसे ही यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ यूजर गाइड दिए गए हैं, जो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसको साइड में रख देता हूँ। अब हम बात करते हैं मेन फ़ोन की, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, बाकी एक्सेसरी देख लेते हैं साथ में क्या मिलता है। तो इसको भी हम साइड में हटा देते हैं। और जैसे कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक अडैप्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे अडैप्टर की बात करूँ, तो आपको थोड़ा मैं पास से दिखा देता हूँ, ब्लर हो रहा है थोड़ा। तो जैसे प्रण, यहाँ पर जो आपको चार्जर दिख जाता है वो सैमसंग की तरफ से आता है यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 0.3 एम्पीयर का आता है। यहाँ पर आउटपुट आपको मिल जाता है, तो ये 1.55 एम्पीयर का है, तो जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। डेट वगैरह मेंशन की गई है, तो कुछ देखने में आपको ये इस तरह से मिलेगा। और साइड में आपको USB का पोर्ट मिलता है, जैसे कि हमेशा आता ही है सैमसंग में। यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम डाटा केबल की। तो जो इसकी चार्जर केबल है, जो आपको यहाँ पर मिल जाती है कुछ इस तरह से, तो ये वाइट कलर में ही आई है, और साथ ही यहाँ पर USB पोर्ट के साथ आती है। जैसे कि आपको 3.5 के साथ यहाँ पर चार्जर पिन का जो जैक मिल जाता है, तो मैं ब्लर हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो कुछ एक डाटा केबल है, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं और आपको क्या मिलता है। साइड में एक आपको बॉक्स में यहाँ पर मिल जाता है, जो कि पिन है। इसको आप अपना स्लॉट वगैरह निकालने के काम में आएगी, तो इसे भी मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ बाकी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ बॉक्स में कुछ ऐसा है नहीं, तो हम इसको इधर रख देते हैं साइड में। और उसके बाद मैं बात करूँ इसके मेन फ़ोन की। अब हम आ जाते हैं इस फ़ोन पर, तो फ़ोन को कुछ इस तरह से मैं निकाल लेता हूँ। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर जल्दी से हम फ़ोन को इसे निकाल लेते हैं। और तो कुछ फ़ोन आपको फ्रेंड इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि मैं बात करूँ तो पीछे की बात करें, तो आपको यहाँ पर कुछ ग्रे कलर का मिल जाता है। यहाँ ग्रॉसी है कुछ, काफ़ी अच्छा लुक के साथ आता है। तो सबसे पहले हम इसे बूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो जो यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है आपको, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिल जाती है, जो काफ़ी नेचुरल कलर के साथ आती है। यहाँ पर कुछ आपको ऐप दिख रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छे कलर से यहाँ पर देख रहे हैं, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए फिर आप बाकी बात कर लेते हैं इसके साइड में हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक जो मिल जाता है वो पावर बटन मिल जाता है। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने मोबाइल को बूट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ा बुलर दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर एक पावर बटन आपको मिल जाता है। बाकी मैं बात करूँ इसके ऊपर साइड में, तो यहाँ पर एक आपको प्राइमरी माइक मिल जाता है। चलिए फ्रेंड, अब इसके हम साइड में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपको स्लॉट मिल जाता है, ये स्लॉट कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर, और जैसे कि आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप दो सिम लगा सकते हैं, साथ ही यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर बात करूँ, इसके नीचे आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं। बाकी मैं इसके नीचे साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, साथ ही आपको 3.5 का एक जैक मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना हेडफोन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका जो कि सिलम है काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा देखने में ये फ़ोन लग रहा है। तो ये चलिए फ्रेंड, अब इसके हम बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो बैक साइड में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से लुक मिल जाएगा। ये ग्रे कलर में आता है, कुछ ग्रॉसी आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर इसके बैक साइड की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप जो मिल रहा है, वो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो कैमरा है वो डेप्थ कैमरा है, जो कि 2 MP के साथ आता है, जो F2
पॉइंट फोर के साथ आता है, और साथ ही यहाँ पर बात करूँ मेन कैमरा जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है सेकंड में, वो 13 मेगापिक्सल का है, जो कि आता है F1.8 का। तो ये आपका जो कैमरा मिल जाता है, नीचे आपको एक फ्लैश लाइट मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर फ्रेंड आपको एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, और यहाँ पर नीचे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ इस तरह से दिख जाएगी। तो पीछे तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अदर्स बात करूँ इसके वीडियो और पिक्चर क्वालिटी की, तो वो तो आपको मैं अपने यहाँ पर वीडियो पर दिखा दूंगा, जो कि आपको दिख जाएगी वीडियो के लास्ट में। और साथ ही मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो जो कैमरा सभी के लिए मायने रखता है, आप सेल्फी वगैरह लेते हैं तो आपके लिए कैमरे भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो इस बजट में आने वाला ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और इसका जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो काफ़ी अच्छी कैमरे क्वालिटी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो इस तरह से ही फ्रेंड, और यहाँ पर वीडियो का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर हमेशा ही कैमरे में मिलता ही है, साथ ही आपको लाइव फोकस का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ प्रो चीज़ें मिल जाती हैं, और ये जो अदर फीचर्स आते हैं कैमरे के साथ वो आप सबको मिल जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन है। सेटिंग में आप बात करूँ तो यहाँ पर सेटिंग में जो चाहे अपने कैमरे के अनुसार, यहाँ पर आप क्या रियर वीडियो रखना, साइज रखना चाहते हैं, आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, फुल में रखना चाहते हैं, आप किस तरह से 1.1 जैसे भी आप स्टेटस वीडियो बनाते हैं या आप इंस्टाग्राम बनाते हैं, वो सारे सेटअप आप यहाँ से नॉर्मली कर सकते हैं, जो ग्रे लाइन वगैरह सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो ये अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साइड में आपको यहाँ पर कुछ और भी फीचर्स मिल जाते हैं, तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बैक कैमरे के और यहाँ फेस कैमरे की बात करूँ तो भाई यहाँ पर फेस कैमरा भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, क्योंकि आपको कुछ दिख जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर बैक कैमरा भी इसका काफ़ी रियर कैमरा है, जो काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड इस कैमरे के मामले में ये फ़ोन इस बजट में आने वाला काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको मैंने कैमरा 13.2 मेगापिक्सल का आता है, जो कि आपको इस तरह से यहाँ डुअल सेटअप में दिख जाएगा। और यहाँ तो फ्रेंड इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको होल पंच में यहाँ पर इस तरह से कैमरा दिया गया, जो 8 मेगापिक्सल के साथ आता है, F2.0 के साथ आता है, जो सेल्फी कैमरा है। तो ये सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है, तो इसको जैसे मैंने ऑन करके आपको दिखाया फेस कैमरा यहाँ पर किस तरह से है, तो यहाँ से आप इस तरह से करेंगे तो आपको जैसे नॉर्मली कैमरा यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप देख लेंगे, तो फेस कैमरा काफ़ी अच्छा जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ वीडियो, और साथ ही फ्रेंड इसकी कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी पिक्चर्स वगैरह मैं आपको इस पर वीडियो को लास्ट में यहाँ पर दिखा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो अब चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में, और यहाँ पर आपके बात करूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मॉडल बताया गैलेक्सी M01S जो मॉडल है इसका, और साथ ही फ्रेंड इसके हम कुछ बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर फ्रेंड जो सैमसंग की तरफ से आने वाला है इसका 1 UI कोर जो 1.1 के साथ आपको मिल जाता है, और ये आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 पर काम करता है, जो 9.5 आया है इसका पाई, और साथ ही यहाँ पर आपको बेस बैंड वर्जन जो भी आपको मेंशन मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर कर्नल आपको वर्जन भी दिख जाएगा 4.9.117, तो ये लेटेस्ट है काफ़ी। और साथ ही फ्रेंड यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टेटस भी दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर बाकी चीज़ें मेंशन दिख जाएंगी सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पर सिक्योरिटी जो आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है आपका यहाँ पर दिखा रहा है 20 जुलाई का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ अपडेट हो रखी है, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल 1 जुलाई को यहाँ पर अपडेट हो रखा है। तो साथ ही फ्रेंड मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिल जाता है वो MT6762 ओटा कोर प्रोसेसर है, जो 2.0 GHz में आपको मिलता है, जो 1.0 GHz तक और बूस्ट करता है। साथ ही यहाँ पर रैम जो मैंने बताया आपको 3 GB प्लस 32 GB के साथ आपको मिलता है, और जो माइक्रो SD आप 512 GB तक सपोर्ट करता है। तो आपको इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, अगर आप गेमिंग करने का शौक रखते हैं तो इस फ़ोन पर आप गेमिंग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और फ्रेंड इसके मैं डिज़ाइन की बात करूँ फोन की, तो ये फ़ोन का डिज़ाइन आपको यहाँ पर काफ़ी स्लिम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। और साथ ही फ्रेंड इसके कलर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एक ग्रे कलर है, और साथ ही इसका एक लाइट ब्लू कलर आता है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये 2 वेरियंट आते हैं इसके, जो कि आपको सेम फीचर्स के साथ मिल जाते हैं। और चलिए हम आपके स्टोरेज भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिवाइस केयर के ऑप्शन पर जाना है, और इसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ फ्रेंड यहाँ पर जो आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल रहा है वो 32 GB का, जैसे मैंने आपको बताया, और 3 GB रैम के साथ आता है, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन दिख जाएगा। तो थोड़ा पास कर देता हूँ, 32 GB आपको दिख रहा है, बाकी जो डाटा यूज हुआ है फ़ोन में लिया है वो सब आपको दिख जाएगा। तो 9.9 जो सिस्टम यूज में आ जाता है आपका, और बाकी ये अदर आ जाता है 10.9 GB। तो यहाँ पर आपको और डाटा और अवेलेबल जो स्पेस है वो 22 GB का आपको यहाँ पर मिल जाता है। अदर बात करूँ यहाँ पर मेमोरी जो 1.5 की आपको मिल जाती है, जो फ्री मेमोरी जो फ़ोन में यूज कर सकते हैं आप। और इसके बैटरी की बात करूँ जो यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है, तो बैटरी की बात करूँ फ्रेंड यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा रहता है, और ये जो बैटरी है वो आपको 4000 mAh की मिल जाती है यहाँ पर। इस फोन में ये बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप देती है, जो आप 12 घंटे तक वीडियो लगातार इस पर देख सकते हैं, ऐसा ये कंपनी की तरफ से बताया गया है। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लॉक की, इसमें आपको कौन कौन से लॉक मिल जाते हैं। तो लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे लॉक मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक टाइप मिल जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर स्वैप मिल जाता है, और नॉर्मल जो आते ही हैं पैटर्न वगैरह, तो जो कि यहाँ पर मेन मिल रहे हैं वो आपको फेस लॉक मिल जा रहा है। फेस लॉक के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ, फेस लॉक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, देखते हैं फेस लॉक। तो फ्रेंड चलिए अब इसके लॉक की बात करें, तो इस समय ये फ़ोन लॉक है। अब इसको मैं फेस सामने से करता हूँ तो यहाँ पर नो मैच दिखा रहा है, तो फेस थोड़ा
सामने करना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा इसको फेस को मैं कर लेता हूँ। ये देखिए आप, स्क्रीन यहाँ पर लॉक हो चुकी है, फिर से मैं लॉक कर रहा हूँ। तो इसको जब आप फेस सामने करेंगे काफ़ी अच्छा लॉक वर्क कर रहा है ये, तो फेस आते ही यहाँ पर अनलॉक हो जा रहा है। उसके बाद ये स्वैप का है लॉक, इस तरह से काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने फेस से, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर मार्क आ रहा है। उसके बाद आपको स्वैप सिंपल जो लॉक है, और इसके बाद फिंगरप्रिंट की बात करूँ फ्रेंड, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट आपको लॉक मिल जाता है बोगी, तो जैसे आप फिंगर आपको कैसे ऐड करना है, तो फिंगर की बात करूँ, और इस तरह से आपको इसका फिंगर पीछे की तरफ दे रखा है, तो आपको इसको उंगली रख लेना है। जब आप उंगली रखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से लेने लगे, तो उंगली को आपको थोड़ा इधर उधर हटा के रख लेना है, और यहाँ पर इस तरह से आप रखते रहेंगे तो यहाँ पर ये लगभग आपको 100% तक होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, इसके बाद आपको डन मांग लेगा और डन कर देना है। डन करने के बाद ये आपको लॉक हो गया है। तो चलिए इसे मैं लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पर उंगली लगाता हूँ, देखते हैं किस तरह से लॉक होता है। तो काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर से देख लेता हूँ। तो इसे एक और बार फिंगरप्रिंट वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और तो चलिए फ्रेंड, अब इसके अदर बात कर लेते हैं, जो कि मेन होता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आप कोई नया फ़ोन लेते हैं उसमें आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना आए तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो हर किसी के मायने रखता है। इसमें नए नए आपको जो अपडेट्स आते हैं वो मिलते रहते हैं, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। जब अपडेट आएगा उसे आपको कोई भी कंपनी नए फीचर्स देती है, तो वो आप यहाँ पर डाउनलोड करके उसे अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ इसका यही था, यहाँ पर ये आपको मिल जाता है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आपका प्राइस भी आपको दिख जाएगा, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं या ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड मैं इस तरह के यहाँ पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जो मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वगैरह से जुड़े हुए होते हैं, इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर से। तो इन वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।